हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। अब तक के हमने मैटर के बारे में देखा एंड मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से पहले आपको समझना पड़ेगा देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था एंड 9th-10th में भी पढ़ा है। लाइक देर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। क्या आपको याद है कि हमने कौन से दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे? Do you remember? There are two type of changes. One is physical change and another is a chemical change. तो ठीक है, उसके basis पर कि depending on the changes हम properties को भी दो type में divide करते हैं, physical properties and chemical properties. तो matter की properties के बारे में बात करने से पहले मैं changes के बारे में बात करता हूँ। So there are two type of changes बोलो या फिर processes बोलो। मतलब अगर हम chemistry की बात करते हैं तो changes को हम process भी बोलते हैं कभी कभी। There are two type of processes. इसमें से पहला प्रोसेस होता है फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल चेंज, जिसको हम ठीक है यहां लिख लेता हूं मैं। पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज या फिर इसी को हम फिजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। एंड इसके अपोजिट सेकेंड टाइप होता है हमारा केमिकल चेंज या फिर इसी को हम लोग केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल रिएक्शन ऐसा भी नाम देते हैं। ठीक है, या तो हम उसको केमिकल प्रोसेस बोलते हैं या फिर हम उसे केमिकल चेंज भी कहते हैं। अब देखो, फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस की अगर मैं डेफिनेशन पूछूंगा आप लोगों से, तो डू यू रिमेंबर उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं? तो डेफिनेशन आई थिंक मैक्सिमम लोगों को आती भी होगी, कुछ लोगों को नहीं भी आती होगी। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल चेंज मतलब होता क्या है और केमिकल चेंज मतलब होता क्या है। जस्ट क्या करना है आप लोगों को, अब आप तो पढ़ाई से तो दूर दूर तक नाता नहीं है, अभी बहुत दिन से आप छुट्टी मना रहे हो आप लोग, तो क्या करना है, आपका जो पुराना रजिस्टर होगा या पेपर होगा न्यूज़पेपर आपके घर में, वो लेना है। उसको एक न्यूज़पेपर ले लिया आपने एक बड़ा सा, उसको क्या करना है दो टुकड़े में डिवाइड कर देना है। मतलब एक पेपर को दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, अब टुकड़े में डिवाइड किया तो दो पेपर बन गए आपके पास में। पहले एक पेपर था, अब दो पेपर हो गए। एक पेपर का क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट पेपर का आपको उसको क्रश करना है, उसका बॉल बनाना है। मतलब आपको बनाना है पेपर का पेपर बॉल। ठीक है, पेपर बॉल बन गया, उसको रख दिया आपने, मतलब ये पहला प्रोसेस हुआ कि आपने पेपर से पेपर बॉल बनाया। दूसरे पेपर को लेना है कि अब पता नहीं उसमें कुछ लिखा था, आपके दुश्मन की फोटो थी शायद से, तो बहुत गुस्सा आ रही थी आपको उसमें, तो आपने क्या किया उस पेपर को जला दिया, दूसरे पेपर को आपने जला दिया। तो क्या होगा जलाने के बाद, क्या वो पेपर पेपर बचेगा या फिर वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा? सो दिस पेपर विल बर्न एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एशेस, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पहला पेपर था वो पहला पेपर पेपर का पेपर बॉल ही बन गया। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हमारे पास दोनों साइड के लिए पेपर थे। चलो बीच में तो मेरे पास पेपर ही था, ओके, लेकिन मैंने पहले पेपर को व्हाट आई डिड कि पहले पेपर को मैंने पेपर बॉल बना दिया। ठीक है, पेपर बॉल बना दिया एंड सेकेंड पेपर को मैंने बर्न करके इसे बर्न कर दिया, बर्न द पेपर। तो बच्चों, इनमें से कौन सा फिजिकल प्रोसेस है और केमिकल प्रोसेस, अब मैंने लिख ही दिया है दोनों साइड में। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप आपने किया कि पेपर लिया, उसका पेपर बॉल बना दिया, तो पेपर पहले भी वो पेपर ही था, बाद में भी वो पेपर है, मतलब इसमें कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इस तरीके से आपने शायद डेफिनेशन पढ़ा था, अब यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि पहले पेपर था उसको पेपर बॉल बना दिया, तो पहले भी पेपर और बाद में भी क्या बना, पेपर ही बचा। लेकिन इसके अपोजिट सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि मेरे पास पेपर है, पेपर को मैं जला रहा हूं, कुछ प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस होने के बाद वो ब्लैक कलर का एशेस बच रहा है, क्या वो पेपर है? नहीं, वो पेपर नहीं है, कुछ नया सब्सटेंस बन गया। इसका मतलब द प्रोसेस इन विच सम न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नया बन जाएगा उसको हम बोलेंगे केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। मैक्सिमम हम इसे केमिकल रिएक्शन वर्ड से यूज करने वाले हैं और फिजिकल चेंजेस को हम फिजिकल प्रोसेसेस वर्ड से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये तो एग्जांपल हो गया, लेकिन अगर मैं पॉइंट की बात करूं, इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर लिखूं तो इसमें आएगा नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज मतलब नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म।
ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक है, कोई डाउट? इसके अपोजिट केमिकल चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें दिख रहा है पेपर कन्वर्ट हो गया एशेज में, इसका मतलब वो बन गया न्यू सब्सटेंस में, तो यहां पर मैं लिखूंगा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अब देखो ये तो बात क्लियर हो गई कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। अब अगर मुझे और कुछ बात कहनी हो फिजिकल चेंज की या केमिकल चेंज की, क्या आपके दिमाग में क्लिक होता है कुछ और बात इससे, इसको छोड़कर? तो अगर मैं और ज्यादा सोचूं इसके बारे में तो जो पेपर बॉल मैंने बनाया था, चलो एग्जांपल से ही समझते, जो मैंने पेपर बॉल बनाया था तो अब मेरा मूड अच्छा हो गया, पहले मैं गुस्से में था तो मैंने उसको क्रश करके पेपर बॉल बनाया था, अब मेरा मूड अच्छा हो गया तो मैंने उसको ओपन कर दिया और प्लेन करके उसको कॉपी के अंदर रख दिया, तो वापस वो पेपर जैसा पहले था वैसा ही बन जाएगा। तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब फिजिकल चेंज के बारे में अगर मैं कहता हूं तो फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसमें मैं लिख सकता हूं इट इज रिवर्सिबल, मतलब कि अगर ये प्रोसेस होती है इसको हम वापस भी रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पेपर का पेपर बॉल बनाया था, पेपर बॉल से वापस मैं उसे नॉर्मल पेपर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ इजीली। बट इसके अपोजिट मेरे पास केमिकल प्रोसेस हो चुकी है, पेपर को मैंने जला दिया था, अब उसकी एशेज बन गई थी क्योंकि उसमें मेरे दुश्मन की फोटो थी, तो अब मैं क्या उस एशेज को वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो हमारे पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें हम एशेस को वापस पेपर में बना सकते। अगर वैसा होता तो हम पूरे पेपर्स रजिस्टर्स को जला देते और वापस उससे पेपर बनाते और फिर हमें नए रजिस्टर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती बच्चों, तो हम घर घर में रजिस्टर बनाते, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेकेंड पॉइंट, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल आई थिंक आप लोगों को वर्ड का मतलब पता है, इरिवर्सिबल मतलब जो वापस नहीं हो सकता, या फिर कैन नॉट बी रिवर्सिबल, ऐसा लिखो अगर आपको इरिवर्सिबल हार्ड लगता है तो। क्लियर यहां तक, कोई डिफिकल्टी? तो यही मेन दो पॉइंट्स है, इससे आपको याद रखना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, ये बात आपको याद रहेगी अब शायद लाइफ टाइम, क्योंकि एग्जाम्पल ही इतना प्यारा दिया है मैंने कि आपको शायद लाइफ टाइम इसका कभी डिफिकल्टी नहीं होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट था ये तो हुआ चेंजेस के बारे में, लेकिन हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हमारा टॉपिक है मतलब है अभी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप की वहां भी प्रॉपर्टी आएगी, एक आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आएगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलो मैं लिख लेता हूं कौन सी प्रॉपर्टी कहा मैंने। पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दूसरे साइड में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों अब प्रोसेस समझ गया है आप लोग को, तो प्रॉपर्टीज भी ऑटोमेटिकली आप समझ ही सकते हो कि हम प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या शो करता है। जैसे अगर मैं कोई सॉलिड सब्सटेंस की बात करूं तो ये रिजिड है, रिजिडिटी इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये शो करता है रिजिडिटी, ये प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब मैटर कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो दो टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसे चेक करते वक्त हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने फिजिकल चेंज में क्या कहा था, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म कहा था, तो वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी हम जब चेक करेंगे तो वो सब्सटेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ये सॉलिड है तो मैं बस देखकर बताऊंगा, इसमें मैं कुछ केमिकल ऐड करके इसको नया जला वाला कि नहीं देखूंगा। अगर मुझे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो सिर्फ देख के बताऊंगा, इट इज हैविंग अ फिक्स शेप, इसका फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, इसका लेंथ है, इसका कुछ डायमंड सर्कुलर सिलेंड्रिकल है तो इसका रेडियस होगा, इसका कुछ मास होगा। तो जितने भी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच विल चेक विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब इसका कंपोजिशन चेंज किए बगैर जो प्रॉपर्टी हम पढ़ सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी। क्या बात क्लियर है? क्या कहा मैंने, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी स्टडीड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मैटर, मतलब मैटर के कंपोजिशन को चेंज किए बगैर अगर हम कोई प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर आ जाएगा मास। क्या मास चेक करने के लिए मुझे पेन का मास चेक करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा?
नहीं। तो इसके एग्जांपल अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल लिखूं तो यहाँ पर बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो। लेंथ अगर मुझे मेजर करना है, लेंथ करना है, मास मेजर करना है, या फिर अब कुछ हार्ड वर्ड भी आएंगे जो आपको पता हो सकते हैं, कुछ कुछ पता होंगे कुछ कुछ नहीं। जैसे डेंसिटी, आपने वर्ड सुना है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स आएंगे। अब कुछ टर्म आपको पता होंगे, कुछ टर्म हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जब तक मैं हूँ तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ गई, ऐसी प्रॉपर्टी जो जब हम उस मैटर की चेक करेंगे प्रॉपर्टीज, तब उस मैटर का कंपोजिशन हम चेक चेंज नहीं करेंगे, बात क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो उसका अपोजिट तो आप बता ही सकते हो डायरेक्टली क्या होगा केमिकल प्रॉपर्टीज का, कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें अगर हम चेक करते हैं तो मैटर का कंपोजिशन हमको चेंज करना पड़ेगा। द प्रॉपर्टीज विच कैन बी स्टडीड ओनली बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ दैट मैटर, मतलब कैसे आएगा, सेम वैसे ही लिखता हूं मैं ताकि आप उसका डिफरेंस भी लिख लो। प्रॉपर्टीज विच कैन स्टडीड ओनली व्हेन द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज चेंज, जब उस मैटर का कंपोजिशन चेंज होगा या कोई ना कोई उसमें केमिकल प्रोसेस होगी, तब जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करने वाले हैं उसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी जब स्टडी की थी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब रिएक्शंस की बात करते हैं। तो हम अगर यहाँ मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लिखना पड़ेगा, हम अगर किसी सब्सटेंस की एसिडिटी चेक करते हैं कि वो कितना एसिडिक है, एसिडिटी चेक करते हैं हम, उसका बेसिसिटी चेक करते हैं हम, उसकी रिएक्टिविटी चेक करते हैं। अगर हम किसी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी, जैसे आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी चेक की थी, व्हेन अ मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड, तो आपने एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी। कैसे बनाई थी, क्या आपने सिर्फ मेटल को देखा और आपको समझ गया कि वो रिएक्टिव है, सिर्फ देखते बराबर समझ जाएगा, नहीं, आपको हर एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करके या किसी पर्टिकुलर केमिकल के साथ रिएक्ट करके देखना पड़ेगा। तो कुछ मेटल रिएक्ट करेंगे, कुछ मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, तो जो मेटल रिएक्ट नहीं कर रहे थे दे आर लीस्ट रिएक्टिव, और जो हाईली फास्ट रिएक्ट कर रहे थे दे आर हाईली रिएक्टिव, और बीच वाले मीडियम रिएक्टिव। सो वैसे ही बेसिसिटी अगर मैं लिखता हूँ रिएक्टिविटी, तो इसमें भी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट आएगी, लेकिन ये इजी है थोड़ी, मतलब एज कम्पेयर टू, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपने केमिकल रिएक्शंस पर इतना ज्यादा फोकस किया है अब तक 10th क्लास तक के, कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता ही नहीं, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो आपको पता ही नहीं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। केमिस्ट्री में भी कुछ टर्म्स आएंगे और कुछ टर्म फिजिक्स में भी आएंगे, तो कंबाइनली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक के, तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी करो ध्यान से, ठीक है। तो चलो इसको नोट करेंगे, और नोट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और नोट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है शायद हमारा यूनिट्स के बारे में, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनिट्स, जो कि आप शायद फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ते हो, तो फिजिक्स में तो पढ़ने ही वाले हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं उसके बारे में, मीन्स यूनिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आता है कि यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना क्यों है, तो यूनिट्स के बारे में हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमें मेजरमेंट्स करनी है। केमिस्ट्री में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने वाले हैं, जैसे कि अगर हम कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कि मुझे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है तो 10 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर, या 20 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर, तो 100 ml क्या हुआ, 20 ग्राम क्या हुआ, मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ 10 शुगर ले लिया, 10 NaCl ले लिया, 100 वाटर ले लिया, तो उसके सामने तो कुछ क्यों लिख रहे हैं हम, ml क्यों यूज़ कर रहे हैं, ग्राम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग सम टर्म आफ्टर द नंबर, क्वांटिटी, क्वांटिटी इज़ ओके, कि क्वांटिटी हम की हम बात करते हैं कि 10 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, 40 लेना है, लेकिन उसके बाद हम उसके आगे यूनिट क्यों यूज़ करते हैं। तो सोचो कि अगर मैं यहाँ पर मतलब इंडिया में कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ NaCl का, और कुछ केमिकल रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मैंने NaCl लिया है 10, कुछ मेरे पास होगा ऐसे ढक्कन वक्कन, अब हम इंडिया में कैसे करते हैं, घरों में कैसे होता है, चम्मच, मतलब चम्मच से ले लिया एक चम्मच रिएक्शन, एक चम्मच ले लिया NaCl, एक चम्मच ले लिया कुछ और केमिकल, मिक्स कर दिया, कोई रिएक्शन हो गई, और मैंने उसका पेपर बना दिया और पेपर में छाप दिया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, तो अब दूसरे कंट्री के लोग आएंगे, अब दुश्मन हमारे, मतलब अब नाम नहीं लेते, बड़े बहुत सारी कंट्रीज हमारे दुश्मन हैं, तो वो हमारे सामने आएंगे, नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है,
पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका घर का चम्मच अलग रहेगा और हमारे घर का चम्मच अलग रहेगा, तो कोई तो मेजरिंग के लिए फिक्स यूनिट होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करने के लिए फिर बहुत सारे यूनिट सिस्टम आए, अलग अलग सिस्टम आए, CGS सिस्टम आया, MKS सिस्टम आया। शायद आपको CGS एंड MKS पता भी होगा, बट हम यहाँ पर CGS एंड MKS के बारे में नहीं स्टडी करें, हम डायरेक्टली SI यूनिट पर ही धावा बोलते हैं। चलो SI यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं कि SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऐसे कुछ तो बोलते हैं, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम्स। एक्चुअली इसका मतलब जस्ट आपको समझना है कि इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम जो यूनिट्स एक्सेप्ट कर चुके हैं और साइंटिफिक लेवल पर हम जिस यूनिट्स पर कैलकुलेशन करते हैं उन यूनिट्स को SI यूनिट कहते हैं। घर वाले यूनिट्स को SI यूनिट नहीं कहते बच्चों, हम घर में मेजरिंग सिलेंडर या ऐसे कुछ मेजरिंग इक्विपमेंट यूज़ करके खाना नहीं बनाते, तो घरों में हम एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन SI यूनिट जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जिन यूनिट्स को एक्सेप्ट किया गया है उसे SI यूनिट्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो SI यूनिट्स को जितने भी दुनिया में SI यूनिट्स है दे आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में हम SI यूनिट्स को डिवाइड करते हैं बच्चों। पहला पार्ट है फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट्स, पहले पार्ट को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट्स या फिर इन्हें ही हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। याद रखना है कि बेसिक यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड टाइप होता है डिराइव्ड, ये डिटेल में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो अभी यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें याद रखना है कि देर आर टू टाइप ऑफ यूनिट्स, सम आर बेसिक और फंडामेंटल यूनिट एंड बाकी के रिमेनिंग आर डिराइव्ड। तो जो बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 यूनिट्स होते हैं, ओनली 7 यूनिट्स, सिर्फ उसमें 7 यूनिट्स होते हैं। तो चलो हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ ही मतलब बात करते हैं कि फंडामेंटल कौन से यूनिट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वान्टिटी लिख लेता हूँ, क्वान्टिटी किसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वान्टिटी एंड इसका यूनिट SI यूनिट क्या है। ओके आप कंफ्यूज नहीं होंगे उससे। तो टोटल वी आर हैविंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट कहाँ लिखो, यहाँ पे लिख लो फंडामेंटल यूनिट दिखेगा। तो पहला फंडामेंटल यूनिट है लेंथ। लेंथ यू नो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहाँ से मुझे घर जाना है तो मैं कितना डिस्टेंस यूज करूँगा, या मुझे इस पेन का लेंथ यूज मेजर करना है डिस्टेंस कितना साइज है इसका, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं लेंथ। बट इसमें अब इस पेन को मेजर करना है तो सेंटीमीटर यूज़ करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ से घर का डिस्टेंस यूज़ करना है तो किलोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग यूनिट होंगे, लेकिन मेन यूनिट क्या होगा, देखो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, तो मेन हमारा ऐसा यूनिट या जो मेन यूनिट है वो हम कहेंगे मीटर। क्या रहेगा हमारा मेन यूनिट, दैट इज मीटर। तो एक्चुअली मैंने ये डायग्राम तो इसके लिए बनाया था पर ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास मास, क्योंकि मास हम जनरल टर्म में यूज़ करते हैं, कोई भी सब्सटेंस हमें खरीदना हो, इवन हमें अनाज खरीदना हो तो हमें मास यूज़ करना पड़ता है, 10, 5 किलो, 1 किलो, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ दैट 1 किलो, इट इज़ kg, इट इज़ kg। तो हम मास को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, मास की अगर हम बात करें तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, एंड किलोग्राम kg इज़ द SI यूनिट फॉर द मास। मास के लिए कौन सा हो गया kg। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लाइफ में है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है हमारी लाइफ की, टाइम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम बेचारा एक एक सेकेंड कीमती होता है, आपको भी अपना एक एक सेकेंड यूटिलाइज करना है पढ़ाई करने के लिए, बाकी चीज़ें तो चलती रहती है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ाई में हर एक सेकेंड को यूज़ कर लेंगे तो टाइम का ऐसा यूनिट हो जाएगा सेकेंड। ओके तो यहाँ पर हमारे 3 हो गए। फोर्थ नंबर अगर हम बात करते हैं तो किसका आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं बच्चों, आप लोगों ने इसे 10th क्लास में पढ़ा था, क्या याद है आपको, इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ करते थे आई थिंक किससे मेजर करते थे आप लोग, यूनिट इज एम्पियर, यूनिट इज एम्पियर, लेकिन उसका इक्विपमेंट क्या था, यूनिट इज एम्पियर, लेकिन इसको आप मेजर करते थे एक इक्विपमेंट से, जैसे वोल्टेज को वोल्टमीटर से, तो एमीटर, एमीटर नाम का एक इक्विपमेंट था आपका, है ना, एमीटर। ओके ये हुए हमारे 4। उसके बाद बचे हमारे पास में 3, 3 जो ज़्यादा हम, ठीक है एक और हम यूज़ करते हैं 9 के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, जो केमिस्ट्री में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों
ये इस केमिस्ट्री का इस चैप्टर का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हम मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, मोल से। किससे मेजर करते हैं, मोल को, मोल से। तो अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे शॉर्ट में तो मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो हम मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा, थोड़ा बहुत आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है उसके बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता नहीं होगा नाइन्थ में, क्योंकि जिन्होंने आपको पता, छोड़ो उसको नहीं बोलता मैं वीडियो पे। ओके, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब देखो तीन छः हो गए क्या हमारे, सिक्स नहीं फोर फाइव ही तो है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मैं लास्ट में रखता हूँ, उसके पहले क्या आता है, मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लास्ट में रखता हूँ, उसके पहले टेम्परेचर। ओके, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, वेरी गुड। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इतनी गर्मी हो रही है और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है टेम्परेचर के बारे में, क्या बात है सर, कैसे भलक्कड़ हो आप। ओके, सो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर मतलब द क्वांटिटी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस। मतलब टेम्परेचर का मतलब से बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि टेम्परेचर मतलब होता क्या है, तो टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर, तो टेम्परेचर मतलब थर्मामीटर नहीं होता बच्चों, थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नोट करते हैं, और टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोलनेस को पता करने के लिए। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 है तो बोले अरे बाप रे 50 है, अरे बाप रे मतलब इट इज हॉट, और अगर टेम्परेचर से 0 degree -5, अरे बाप रे इतना ठंडा। मतलब अगर आपको टेम्परेचर पता चलता है तो आप बता सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। तो आपको समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे मेजर करते हैं, देखो जनरल लाइफ में हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, इंडिया में ज्यादातर हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें जो स्टैंडर्ड साइकिल और स्टैंडर्ड स्केल है, साइकिल नहीं स्केल है, वो हमारी केल्विन स्केल है, तो हम इसको मेजर करते हैं केल्विन में। और बच्चों इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाए, जैसे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं वैसे ही डिग्री केल्विन लिख देते हैं, तो डिग्री केल्विन नहीं होता है, वो सिर्फ केल्विन होता है, सेल्सियस के साथ डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, कभी भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो मैं समझता हूँ हमारे कुछ भी काम का नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्योंकि कभी भी हम उस वर्ड को यूज़ नहीं करने वाले ज़िंदगी में, मतलब फिजिक्स में करोगे थोड़ा सा, अगर आप कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर रहे होगे तब इस वर्ड का यूज़ आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, वो भी 12th क्लास में, तो अभी 11th की स्टार्टिंग चल रही है सर, अभी से क्यों उसका मतलब। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैंडेला, किस में हम इसको मेजर करते हैं, कैंडेला। तो ये फिजिक्स का टर्म है एक्चुअली, कि इंटेंसिटी, देखो अगर आप इमेजिन करें लाइट को, कि कभी लाइट बहुत ज़्यादा तेज होती है, कभी लाइट बहुत कम होती है, तो उसका भी कुछ मेजरमेंट चाहिए। अब तक है आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं कि लाइट कभी बहुत ज़्यादा तेज होती है, कोई कभी कम होती है, तो उसको मेजर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट होगा, उसे भी मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट होगा। इतने सारे इक्विपमेंट हम बना ही रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए बनाते ही है, तो ऐसा भी कोई पागल इंसान होगा जिसने लाइट को भी मेजर करने के लिए बनाया होगा, तो दैट पर्सन मतलब उसने लाइट इंटेंसिटी को भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्वांटिटी है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हो, नीट JEE के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो 11th में तो नहीं लेकिन 12th में ऑप्टिक्स आता है, वहाँ पर आपको इंटेंसिटी के क्वेश्चंस होते हैं, बट सिर्फ एडवांस लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर इंटेंसिटी का उतना कुछ रोल नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो इतने टर्म्स हैं हमारे, क्या है ये, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स। अब क्वेश्चन आता है कि जो बाकी बचे हुए हैं, ये सेवन्थ वाले क्या, सेवन क्या है, ये किंग्स हैं हमारे, सेवन किंग हो गए हमारे पूरे वर्ल्ड के, सेवन किंग, इनके ऊपर हमारे सारे, ओके सेवन सिस्टर्स बोल रहे हैं, तो सेवन सिस्टर्स इज ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल वर्ल्ड, उनसे पूरा वर्ल्ड बनेगा, उनके वजह से पूरा वर्ल्ड, मतलब उनके वजह से बाकी के यूनिट्स बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दो आपको बता देता हूँ कि डिराइव्ड यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स क्यों बोलते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये इसके काम का नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा अगर आपने जब साइंस में टर्म्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, यूनिट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहला टर्म आपका आया था शायद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो यहीं पर ही खत्म हो गया। तो उसके बाद वाला टर्म मैं बोलता हूँ स्पीड का, तो स्पीड, यू नो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
और देखो अब मुझे स्पीड का यूनिट लिखना है, मुझे स्पीड का यूनिट लिखना है, तो देखो मैं क्या करूँगा स्पीड का यूनिट लिखने के लिए। तब नाइन्थ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि ये यूनिट ऐसा आता ही क्यों है, पता नहीं आपको समझा था या नहीं समझा था, बट अभी समझ लो कि देखो स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका ऊपर में आएगा मीटर, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसलिए स्पीड का हम यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकेंड। दैट्स वाइज जो ये है डिराइव्ड है, हमने फंडामेंटल यूनिट से इसको डिराइव किया है। ऐसे ही एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, क्योंकि वहाँ पर स्पीड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम था, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम था, तो वेलोसिटी का स्पीड पहले से मीटर पर सेकेंड आएगा और उसके बाद और सेकेंड आएगा। चलो एक एग्जांपल फोर्स का ले लेते हैं। फोर्स फॉर्मूला याद है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मा एफ इज इक्वल टू मा एम इंटू ए, तो ठीक है एम मतलब मास, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है स्पीड अप मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, तो जगह तो ख़त्म हो गई मेरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम ऐसा कुछ आएगा, आएगा ऐसा। तो मास की जगह पे मैं रखूँगा, क्या रखूँगा मास में, केजी। तो फोर्स का यूनिट देखो कैसा आता है, केजी इंटू ऊपर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी डिस्टेंस का ही आएगा, मीटर अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड, अपॉन टाइम सेकेंड। तो आप लोगों को आप जानते हैं इस टाइप का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि जब नीचे डबल डबल डिवाइड हो तो सेकेंड के नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है, और वो इनवर्स मल्टीप्लाई होता है। इनवर्स मल्टीप्लाई कैसे होगा, फिर वो के जी मीटर पर सेकेंड इंटू वन बाई सेकेंड, तो ये हो जाएगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को फिर बाद में न्यूटन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, वन न्यूटन, ठीक है। बट अगर मेन यूनिट पूछेंगे तो के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि फंडामेंटल यूनिट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सातों के सातों आपको याद ही रखना है, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। इसके ऊपर आपको फिजिक्स में पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन, इसमें आपको इन यूनिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है और ऐसे कैलकुलेशंस बहुत सारे करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता ही दिया, तो आपका फिजिक्स का काम भी इजी कर दिया, ठीक है। तो अच्छा लगा तो लाइक करो, चलो जल्दी से, एंड इसको नोट करके हम फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो अब हमें यूनिट्स तो पता चल गए, बट यूनिट्स को अलग अलग जगह पर यूज़ करने के लिए हम उनके साथ में कुछ और भी टर्म ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे एग्जांपल कहा था, अगर मुझे इस पेन का लेंथ मेजर करना हो तो मैं सेंटीमीटर में मेजर करूँगा, अगर मुझे यहाँ से घर का डिस्टेंस मेजर करना हो तो मैं किलोमीटर में मेजर करूँगा। तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हमारे पास आते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो इंग्लिश में भी आप वर्ड सुनते हैं प्रीफिक्सेस, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट याद रखना है, हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस फॉर एसआई यूनिट्स। तो बच्चों प्रीफिक्सेस का मतलब होता है पहले, तो यूनिट के पहले जिस टर्म को यूज़ किया जाए उसे हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। बात समझ में आ रही है, जैसे कि सेंटीमीटर, तो मीटर के पहले मैंने सेंटी लिखा है, मिलीमीटर तो मीटर के पहले मैंने मिली लिखा है ना, ठीक है। तो चलो अब हम उसे समझते हैं किस तरीके से उसे यूज़ करना है, बट उसके पहले आपको कुछ 10 के पावर यूज़ करना आना चाहिए। 10 के पावर आपको यूज़ करने आते हैं, बेसिक पावर्स, हम 10 के पावर कैसे यूज़ करते हैं। तो 10 के पावर जब आपको यूज़ करना आएगा, 10 के एक्सपोनेंट जिसे हम कहते हैं या 10 के पावर, तो चलो थोड़ा सा एक ब्रीफ रिविजन में पहले 10 के पावर का ले लेता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास 10 है या सिर्फ 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 0, ठीक है, 1 को लिख सकता हूँ मैं 10 का पावर 0। सेकेंड, अगर मेरे पास 10 है तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 10 का पावर 1, ठीक है। अगर मेरे पास 100 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 का पावर 3, सॉरी 2। अगर मेरे पास 1000 है तो मैं लिख सकता हूँ 100 का पावर 3, सॉरी 10 का पावर 3, ये गड़बड़ कर दिया, 10 के पावर की बात करें, सॉरी अगर 1 है तो 1 का 10 का पावर 0, अगर 10 है तो 10 का पावर 1, अगर 100 है तो 10 का पावर 2, अगर 1000 है तो 10 का पावर 3। बोलेंगे सर आज पागल हो गए, ओके हाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज मेरा, ओके 1000 है इसलिए 10 का पावर 3। अब
अगर 4 जीरो लगा देता हूँ मैं तो 10 का पावर 4, तो ऐसे ये बढ़ते रहेगा। चलो एक जीरो और कर लेते हैं, चलो इतने कर ही लिए तो हो जाएगा 10 का पावर 5। इसी को अगर मैं इन्वर्स में लूँ, अगर मैं डिवाइड में लूँ, ये तो मेरे मल्टीप्लिकेशन में हो गए, अगर मैं इन्हें डिवाइड में लूँ, जैसे कि मेरे पास है 1/1, इधर मैं लिखता हूँ 1/1, तो इसका 10 का पावर फिर से ये ज़ीरो ही होगा। 1/1 मतलब 10 का पावर 0 ही होगा। अगर मैं 1/10 लिखता हूँ तो 10 का पावर कितना आएगा, 10 का पावर आएगा -1। और इसी को अगर मैं डेसिमल पॉइंट में लिखूँ तो ये हो जाएगा 0.1। क्लियर है, मतलब तो डेसिमल भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही मैं अगर मैं पावर 2 लेता हूँ तो 1/100, तो इसका मतलब होगा 10 का पावर -2। इसी को अगर मैं डेसिमल में लिखता हूँ तो 0.01। ये आप बोलेंगे सर ये तो हम 5th क्लास में पढ़ते हैं सर, क्या पका रहे हो। हाँ, यही 3 चीज़ में आप गलती करने वाले हो आगे कोई क्वेश्चन में, और बोलोगे थैंक यू सर आपने हमको बताया। ठीक है, याद रखना इस बात को। आज मैं बता रहा हूँ, आज बोल रहे हो कि बच्चों की चीज़ है लेकिन हमें क्यों बता रहे हो, लेकिन जब कुछ दिनों में मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपसे तब आप बोलोगे सर आंसर गलत आ रहा है, और आंसर गलत होने का रीज़न यही होगा कि आपको डेसिमल पॉइंट चेंज करते नहीं आएंगे। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसलिए शायद आप गलती नहीं करोगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये 1000 है तो ये होगा 1/1000। 1/1000 को मैं लिखूंगा 10^-3, इसका ही मतलब होगा 0.001। क्या बात समझ में आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी इसमें? बहुत ही आसान तरीका है, कुछ इसमें नया एक्सप्लेनेशन नहीं है। 10^4 है तो 1/4 बार अगर 0 है तो ये हो जाएगा 10^-4, और डेसिमल पॉइंट में आएगा 0.301। ठीक है, अगर 10^5 है तो इसका मतलब होगा 1/1, 2, 3, 4, 5, 10^-5, यहाँ पर 0 आएंगे कितने, 4 0, 1, 2, 3, 4 and 1। ठीक है, तो यहाँ तक के कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, आपको आता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि इन फ्यूचर कुछ दिनों में आप गलती करने वाले हो और यही पॉइंट लेकर आप गलती करोगे। चलो ये तो हो गया कि 10 का पावर का रिलेशन कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। अब सर ये बताए तो इसका कुछ फ़ायदा तो होगा। हाँ, तो प्रीफिक्सेस में इसका फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होगा, प्रीफिक्सेस हमारे 2 टाइप के रहेंगे, एक तो 10 का पॉजिटिव पावर और 10 का नेगेटिव पावर। इसलिए मैंने पॉजिटिव पावर बताया और नेगेटिव पावर बताया ताकि हम उसे यहाँ पर यूज़ कर सके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेगेटिव पावर, जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं मुझे याद है या फिर आपको यूज़ करने हैं और आपको भी याद करने हैं। ठीक है, और बीच में मैं लिखता हूँ 10 का पावर, जो भी पावर होगा 10 का पावर जो रहेगा वो यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर मैं पॉजिटिव वाले लिखूँगा, मतलब नाम सेम रहेगा पावर भी सेम रहेगा। क्या कहा मैंने, यहाँ पर मैं इस साइड में नेगेटिव वाले लिखता हूँ नाम, और इस साइड में पॉजिटिव वाले लिखता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ पावर का नंबर लिखे, जैसे पावर है 1, जैसे पावर है 1, तो अगर नेगेटिव में नेगेटिव पावर 1 है तो उसको बोलते हैं डेसी, और अगर पॉजिटिव है तो उसको कहते हैं डेका। ठीक है, तो 10^1 अगर मुझे यूज़ करना है तो उसके लिए मैं डेका यूज़ करूँगा, क्या यूज़ करूँगा डेका, और अगर मुझे 10^-1 यूज़ करना है तो मैं डेसी यूज़ करूँगा। तो वैसे ही आपको सीक्वेंस याद करना है, तो डेसी के बाद आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। ठीक है, ये माइनस वाले पावर है। इसमें पावर कैसे चलेगा, डेसी है 1, सेंटी है 2, मिली है 3, माइक्रो है 6, नैनो है 9, पिको है 9+3=12 एंड फेमटो है 15। क्लियर, कोई डिफिकल्टी सही है, कोई गलत किया मैंने, पूरा सही है। ओके, अगर पॉजिटिव में जाते हैं, याद है जब मैं 11th में था तब से याद किया है तो अभी तक याद रहने ही वाला है। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से याद करना है कि लाइफ टाइम याद रहे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो। इसके बाद ऑटो भी है शायद, फेमटो के नीचे ऑटो, चलो ऑटो भी लिख देता हूँ। 80 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो। फिर यहाँ पर चालू होता है डेका, डेका हेक्टा किलो मेगा, डेका हेक्टा किलो मेगा, गीगा टेरा पीटा एक्सा, है कि नहीं सही है, गलत बोला, कोई भी गलत हुआ,
गीगाटेरा पिटाएक्सा। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो ऑटो डेका हेक्टा किलो मेगा गीगाटेरा पिटाएक्सा। तो अब मेरा तरीका अलग होगा, आपको जैसे याद करना है आप याद कर सकते हो, बट अगर आप इस तरीके से याद करते हो कि 1 के पावर में ये दोनों आते हैं डेसी डेका, 2 के पावर में सेंटी भी आता है हेक्टा भी आता है, वैसे ही मिली किलो 3 के पावर में। लेकिन याद रखना है कि ये जो टर्म्स है 10 के माइनस पावर है और ये जो टर्म्स है वो 10 के प्लस पावर है। अगर मैं किलो यूज करता हूं तो 10 टू द पावर 3 होता है, अगर मैं मिली यूज करता हूं तो 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। बात समझ में आई? तो यहां तक के आपको प्रीफिक्सेस आज के लेक्चर में मैंने आपको बता दिए, मेरे को याद है तो आपको भी याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने बच्चों, आपको ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इस वजह से अब देखो ये आप याद करोगे तो सिर्फ केमिस्ट्री में काम नहीं आने वाला, केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डेसी सेंटी मिली माइक्रो तक के ज्यादा से ज्यादा काम आता है। यहां पर आपको किलो, बस किलो ही काम आता है यहाँ पर, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो ज़्यादा से ज़्यादा बस नैनो तक मैक्सिमम, बाकी के लेकिन जितने भी टर्म्स है मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपको फिजिक्स में याद करना ही है, फिजिक्स में आपको ये सारे ही पूछे जाएंगे, कोई भी पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हम कल सॉल्व मतलब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको याद कर लो, देखते हैं कितने लोग इसको याद करके आते हैं। ठीक है, तो फिर ये आपको समझ ही गया है, ये तो मैंने आपको बचपन का ही सिखाया, देखते हैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में आते हैं या नहीं आते। एंड ये मैंने अभी बताया तो इन पूरे टर्म्स को पढ़ लो अच्छे से, नोट कर लो, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।